जोशीमठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर खतरे की जद में जोशीमठ, पगनो गांव में बढ़ रहा है भूस्खलन का खतरा और खतरे की जद में गांव के 35 परिवार। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, ग्रामीणों ने प्रशासन से की विस्थापन की मांग। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खतरे की जद में एक बार फिर से गांव का 35 परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, ग्रामीणों ने प्रशासन से विस्थापन की मांग की है। चमोली से ये तस्वीरें, जहां पर फिर से खतरे की जद में है जोशीमठ और पगनो गांव में बढ़ रहा है भूस्खलन का खतरा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर खतरे की जद में गांव के 35 परिवार और ग्रामीणों की तरफ से प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है, मांग की जा रही है, प्रशासन से विस्थापन की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से खतरा दिख रहा है जोशीमठ में और पगनो गांव में भूस्खलन की समस्या बढ़ती दिख रही है, जिसकी वजह से गांव के 35 परिवार खतरे की जद में हैं और ग्रामीण लगातार प्रशासन से गुहार करते नजर आ रहे हैं, प्रशासन से विस्थापन की मांग करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चमोली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जोशीमठ में एक बार फिर से भूस्खलन का खतरा देखने को मिल रहा है और खतरे की जद में गांव के 35 परिवार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप भंडारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक बार फिर से जोशीमठ में खतरा दिख रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों की तरफ से लगातार प्रशासन से विस्थापन की मांग की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जोशीमठ विकास खंड का गांव है, पगनो गांव। यहां पर विगत 2 माह से लगातार गांव के ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते 35 परिवार जो है वो खतरे की जद में अब आ गए हैं। और इससे पहले 9 परिवार जो थे उनको प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा को देखते हुए उनको शिफ्ट कर दिया। और हाल ही में एक दिन पहले का एक वीडियो है, जहां पर एक गांव के एक गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई है। लगातार गांव के ऊपर से भूस्खलन जारी है, जिसके चलते गांव में अब खतरा बढ़ गया। गांव वालों का यही कहना है प्रशासन से जल्द उन्हें विस्थापित किया जाए, क्योंकि आगे जो खतरा है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी प्रदीप, अब इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है? जी, ये गांव में जो भूस्खलन हो रहा है उसको देखते हुए प्रशासन की एक टीम मौके पर भी पहुंची थी। और जो प्रशासन का यही कहना है कि एक बार इसके भूगर्भीय ये यहां पर सर्वेक्षण किया जाएगा और आखिर क्या कारण है जो लगातार गांव के ऊपर से जो भूस्खलन हो रहा है। और उसके बाद जो खतरे की जद में जो पहले से जो परिवार आ गए थे उनको तो फिलहाल प्रशासन ने 9 परिवारों को तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन अभी भी 35 परिवार ऐसे हैं जो खतरे की जद में लगातार, अगर बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो इन जो परिवार है 35 परिवार उनको खतरा हो सकता है। जी प्रदीप, जोशीमठ का ये कौन सा क्षेत्र है जहां पर 35 परिवार खतरे की जद में है और लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे मदद की? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जोशीमठ विकास खंड का पगनो गांव है, जो जोशीमठ मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है। वहां पर ये लगातार ये भूस्खलन हो रहा है, लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते वो गांव के लोग काफी भयभीत है, क्योंकि लगातार जो गांव के ऊपर से भूस्खलन हो उसके चलते कई घरों में, जैसे बारिश शुरू हो जा रही है तो उनके घरों में पानी घुस रहा है और कई जो गौशाला है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। जी ठीक है प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।